हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे इस साइड प्रेजेंट है ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर, जो कि अभी फ्रेंड्स यहां पे गोल्डन एडिशन में कंपनी ने लॉन्च किया है, और इस साइड में खड़ा है फ्रेंड्स ब्लैक एडिशन हीरो स्प्लेंडर प्लस। तो आज फ्रेंड्स हम इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि कौन सी बाइक जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है और कौन सी बाइक आपको परचेस करनी चाहिए। लुक्स भी आप देख लें, लुक्स में काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं शांति हीरो ग्रीडी में, दोनों ही बाइक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको लेना है तो डायरेक्टली अगर शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्लैक एडिशन के बारे में। यहाँ पे आपको हीरो का लोगो मिल रहा है और ये येलो कलर में स्ट्राइप्स दिया गया है सामने से इस बार। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको I3S की बैजिंग मिल जाएगी IBS की, और इधर भी IBS की बैजिंग मिल जाएगी। और टेलीस्कोपिक फोक जो है वो ब्लैक में मिल रहा है, अलॉय व्हील्स जो है वो भी ब्लैक में इसमें कंपनी ऑफर कर रही है। और फ्रेंड्स टायर्स जो है वो 80x100 का 18 इंच का आपको मिलता है MRF का। अगर हम इस साइड से बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं गोल्डन कलर वाला, इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हीरो का लोगो मिल रहा है, स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिल जाती है। और ये फ्रेंड्स गोल्डन में है, इसमें किसी भी तरह का कोई स्टिकर्स का यूज़ नहीं किया गया है यहाँ पर। और इस साइड में अगर हम बात करते हैं यहाँ टायर्स की, तो फ्रेंड्स सेम टायर्स आपको मिलता है 100x80 का 18 इंच का, इसमें भी IBS की आपको बैजिंग मिल जाती है। और इसमें भी जो टेलीस्कोपिक फोक्स है वो फ्रेंड्स आपको ब्लैक कलर में मिलता है, अलॉय व्हील्स भी आपको ब्लैक कलर में मिल रहा है। इस साइड से अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स साइड लुक इसका, तो हीरो का जो है वो 3D में लोगो मिल रहा है, स्प्लेंडर प्लस का लोगो 3D में मिल रहा है, I3S का बैज मिल जा रहा है, और किसी भी तरह का कोई स्टिकर वर्क नहीं किया गया है इसमें। अगर आप इसमें देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिलेगा। स्प्लेंडर प्लस का बैज मिल जाएगा फ्रेंड्स, हीरो का लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे फ्रेंड जो है वो येलो कलर में आपको स्टिकरिंग्स कंपनी प्रोवाइड करती है, पावर स्टार्ट का बैज मिल जाएगा, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन का बैज मिल जाएगा आपको। और फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का आपको लुक मिल रहा है साइड से, यहाँ पे काफ़ी अच्छा साइड लुक ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसके कंपेरिजन में देखते हैं तो स्टिकर्स काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है देखने में। अगर हम इस साइड से यहाँ पे बात करते हैं इंजन का, तो इंजन भी पूरा ब्लैक आउट आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स जो पीछे का जो पोर्शन है ये पूरा ब्लैक आउट कर दिया गया है इस बार। तो इस साइड से फ्रेंड्स अगर हम इसका लुक्स का बात कर लेते हैं, तो यहाँ इंजन जो है पूरा ब्लैक आउट आपको मिल रहा है, इसमें भी पावर स्टार्ट की बैजिंग मिल जाती है, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन का बैज मिल जाता है। और फ्रेंड्स इसका जो है इसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स साइड लुक जो है वो आप जज करके हमें बताएं कि ज़्यादा अच्छा आपको किसका लग रहा है, उस कलर ऑप्शन का या फिर ये कलर ऑप्शन का। ये बिल्कुल ही फ्रेंड्स अभी न्यू आया है, इसमें आपको यहाँ पर चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया है कंपनी ने इस बार, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको USB चार्जिंग जो है वो मिल जा रहा है स्प्लेंडर प्लस में, और उसमें आपको चार्जिंग का जो है वो ऑप्शन नहीं मिल पाता है, ये नॉर्मल सा है, इसमें चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया है। तो ये फ्रेंड्स एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है अगर आप गोल्डन एडिशन को ख़रीदते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स आपको कंपनी जो है वो चार्जिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करेगी, तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। एग्जॉस्ट नोट वगैरह सब सेम है, इंजन वगैरह सब सेम आपको मिलता है। आप सीट देख सकते हैं, सीट की जो कुशनिंग है वो भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी हद तक यहाँ बोल सकते हैं आप सिमिलर ही मिल जाता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे सीट भी जो है बिल्कुल ही सेम कंपनी प्रोवाइड करती है। लोगो वगैरह सब सेम है, इसमें भी 3D में लोगो मिलता है, यहाँ पे स्टिकरिंग वर्क किया गया है, और टेल लाइट आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई स्टिकरिंग वर्क आपको नहीं मिलता है, पूरा प्लेन में है। तो आप लुक्स देख पा रहे होंगे, टायर वगैरह जो है रेयर का भी सेम मिल जाता है 80x100 का आपको 18 इंच का। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स दोनों ही बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी है, और देखा जाए प्राइसिंग तो मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा कि दोनों का प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है। होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो। अगर फ्रेंड्स आपको दोनों में से किसी भी बाइक के रिगार्डिंग या किसी भी बाइक के रिगार्डिंग अगर आपको जानना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।